को टेलीकास्ट होने वाले शो शौर्य और अनोखी की कहानी के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं अनोखी और शौर्य का बेहतरीन रोमांस। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते हुए नज़र आएंगे। शौर्य अनोखी को अपने गले से लगा लेगा और बहुत इमोशनल हो जाएगा। वहीं अनोखी भी पीएस को अपने पास वापस देख कर बहुत खुश है। ऐसे में शौर्य अनोखी से कहेगा कि वो एक बार अपने प्यार का इजहार कर दे, क्योंकि हमेशा ही ये इजहार अधूरा रह जाता है। तब अनोखी शौर्य से कहेगी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। जी हाँ, इस तरह से प्यार का इजहार होगा। ये दोनों कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, लेकिन तभी अनोखी को इस बात का एहसास होने वाला है कि ये सब कुछ करके वो गलती कर रही है, क्योंकि जो कुछ भी शगुन ने शौर्य के बारे में अनोखी को बताया था वो सब कुछ अचानक से अनोखी के जहन में आ जाएगा और वो इस बात को लेकर शौर्य से सवाल करेगी। अब शौर्य के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि शगुन ने जो कुछ भी कहा था वो था तो एक तरह से सच ही। ऐसे में आप देखेंगे कि शौर्य अब अनोखी के सामने एक शर्त रखेगा, और वो शर्त ये है कि अनोखी के साथ शादी करने के बाद भी शौर्य अनोखी की स्टडी में किसी तरह का कोई दखल नहीं देगा। अनोखी को अपने फ्यूचर को बनाने के लिए जो कुछ भी करना है उन सब में शौर्य उसका साथ देगा। लेकिन अनोखी का दिल नहीं मान रहा है, वो अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहती है, और इसीलिए उसने शौर्य से कहा है कि वो पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ बनेगी। तभी जब अनोखी की मांग में सिंदूर भरकर शौर्य उसे अपना बना लेगा, तो ये बात अनोखी के लिए बहुत शॉकिंग है। लेकिन शौर्य ऐसा करके बहुत खुश है, क्योंकि इस बात से इतना तो तय है कि अब अनोखी उससे दूर कहीं नहीं जाएगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा नया मोड़ लेती है शौर्य और अनोखी की कहानी। शौर्य की इस शर्त पर क्या होता है अनोखी का रिएक्शन? अब अनोखी इस शादी के लिए हाँ करेगी या फिर समझौता कर लेगी? इंतजार रहेगा इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।